अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मानविंदर रावत, और दोस्तों आज पूरे मई महीने का फलादेश आपके समक्ष रखूंगा, ज्योतिषीय गणना आपके सामने रखूंगा। मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल पूरे महीने का आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, अच्छा कुछ आपको सुनने को और समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस पूरे महीने में मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ। सूर्य ग्रह उच्च के हैं और उच्च के 15 मई तक रहेंगे। इसके अलावा शुक्र स्वय राशि के हैं, यह भी बहुत सुंदर है, और यहाँ पर ये स्वय राशि के 15 तारीख तक रहेंगे अपनी ही राशि में। दोस्तों बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे 10 तारीख को। यह तीन मुख्य बिंदु राशिफल के दौरान देखे जाएंगे, समझे जाएंगे, इनका प्रभाव रहेगा। अब सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए यह पूरा महीना 15 तारीख तक तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 15 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि उच्च के सूर्य का फल आपकी राशि में रहेगा। इसलिए जो भी सरकार से संबंधित या उच्च पदों से संबंधित या मान सम्मान से संबंधित या सरकारी कामकाज है उनको निपटाने के लिए शुरुआती 15 दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसका एक और कारण यह है कि आपकी राशि का स्वामी मंगल जो कि शनि के साथ में इस समय है, तो क्रोध की स्थिति भी आप में ज्यादा देखने को मिलेगी, पर यह सिर्फ शुरुआती 2 दिन रहेगा, क्योंकि 2 तारीख को मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उच्च के हो जाएंगे। तो इसलिए मेष राशि के दर्शकों के लिए विशेष तौर से यह जो पूरा का पूरा महीना है वह अच्छा रहने वाला है। जब सूर्य 15 तारीख के बाद वृष राशि में परिवर्तित होंगे तो यहां पर शत्रु राशि में आ जाएंगे, जिस वजह से थोड़ी सी हानि आपको होगी, तनाव आप में बढ़ेगा, पर इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, लाभ के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी उच्च का हो जाएगा। यह एक अच्छा साइन है आपके लिए। अब बात करना चाहूंगा वृष राशि की। वृष राशि के दर्शकों, आपके लिए तो अच्छा है, उसका कारण यह है कि आपकी राशि में स्वय राशि के शुक्र विराजमान है, और यह स्वय राशि के शुक्र आपके लिए 15 मई तक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चे वृष लग्न में पैदा होंगे उनकी कुंडली में एक मालव्य नामक महापुरुष राजयोग देखने को मिलेगा, या जो वृष राशि में पैदा होंगे यानी कि केंद्र के अंदर यदि वृष राशि आ रही है तो उनकी कुंडली में भी एक राजयोग की उत्पत्ति रहेगी। फिल्म लाइन के लिए, एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा योग दिखाई देता है। 15 अप्रैल के बाद जो भी काम करना है थोड़ा सोच समझ के करिएगा। उसका कारण यह है कि शुक्र तो राशि परिवर्तन कर जाएंगे पर सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, जिस वजह से आपके कार्यों में थोड़ा विलंब होगा। पर दोस्तों शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन मिथुन में होगा, जो कि मित्र राशि में रहेगा। यह बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए और धन के ऊपर रहेगा, इसलिए धन वृद्धि का योग बन रहा है, रुका हुआ धन वापस प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा, बहुत बुरा नहीं नजर आता है। पर एक थोड़ी सी दुविधा यह भी यहां पर जरूर रहेगी, उसका कारण यह है क्योंकि आपके ऊपर वृष राशि के ऊपर शनि की रैया का प्रभाव चल रहा है, जिस वजह से जो वृष राशि के जातक हैं वह सब कुछ अच्छे होते हुए भी मानसिक तनाव कहीं ना कहीं महसूस करेंगे और उनको देखने को मिलेगा बीच बीच में कुछ दिनों के दौरान। पूरे महीने तो यह स्थिति नहीं रहेगी, बीच बीच में थोड़े दिन आप जरूर तनाव में चले जाएंगे, पर अच्छी बात यह है कि वृष राशि का स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में है, इसीलिए यह 15 मई तक तो आपको पूरा रिजल्ट देगा। 15 मई के बाद भी अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि मित्र में चला जाएगा, पर 15 मई को सूर्य राशि परिवर्तन वृष में करेंगे तो इस वजह से यहां पर कुछ शारीरिक क्षति होगी। दोस्तों अब बात करना चाहूंगा मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का जो स्वामी है वह होता है बुध। बुध नीच के हैं, तो नीच के बुध 10 तारीख तक रहेंगे, 10 मई तक। इसीलिए जो भी आपको तनाव और परेशानियां चल रही थी यह 10 मई तक ही देखने को ज्यादा मिलेंगी। इसके बाद
जो बुध हैं वह राशि परिवर्तन कर लेंगे और यह राशि परिवर्तन अपने मित्र की राशि में करेंगे। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह महीना 10 तारीख तक तो पुलिस केस मुकदमे के लिए, मानसिक तनाव के लिए काफी ज्यादा खराब रहेगा। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान एकाग्रता आपकी भंग होगी, कॉन्सेंट्रेशन आपकी भंग होगी, कंपटीशन में आप असफल हो जाएंगे। यह 10 मई तक की स्थिति है, पर 10 मई के बाद जब बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, नीच की राशि से निकल जाएंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं यह अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहां पर जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र आपकी फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन में लगन के अंदर आ जाएंगे, तो लगन को बल मिलेगा। इसीलिए यदि आप कोई नया काम कारोबार करना चाहते हैं तो 15 मई के बाद कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। जो भी घटनाक्रम और जो तनाव आपको आने हैं यह 15 मई तक ज्यादा आपकी राशियों में देखने को मिलेंगे, इसके बाद स्थिति नॉर्मल होने लगेगी। तो दोस्तों यह था मेष वृष और मिथुन राशि का राशिफल पूरे महीने का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगामी कार्यक्रम में एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। एडमिशन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, अब ज्योतिष सीखना हुआ आसान। महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के अंतर्गत 1 मई 2018 से आरंभ हो रही ज्योतिष की कक्षाओं में जुड़कर आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं, जिसकी कक्षाएं गुरुदेव मानवेंद्र रावत जी द्वारा संचालित की जाएंगी। इसके अंतर्गत आपको ज्योतिष की हर विद्या की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको भी ज्योतिष सीखना या ज्योतिष ज्ञान में अपना कैरियर बनाना है तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 9999886090, 9811414156। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई